तो दोस्तों, कभी ना कभी आप ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस किए होंगे कि आपके पास इमेजेस में कोई इंग्लिश लिखा हुआ वर्ड है, ठीक है, वो उसका इमेज है, आप चाहते हैं कि उसका एज इट इज़ टेक्स्ट में लिखा हुआ मिले, और आप दोस्तों सोचते होंगे कि ये कैसे होता होगा, और फिर आप मायूस हो जाते हैं, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता। लेकिन आज के इस वीडियो में बताऊंगा, आप किसी भी फोटो में अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है, या भी कोई सा भी भाषा में लिखा हुआ है, उसे आप एज इट इज टेक्स्ट में कैसे ला सकते हैं। तो यही इस वीडियो में आज क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखिए, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, बहुत ही काम का वीडियो है दोस्तों। जो काम हम लिख लिख के एक घंटे में करेंगे, वो एक सेकेंड में होने वाला है। तो ये वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ दोस्तों। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है, और यहाँ प्ले स्टोर पर आने के बाद एक ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है गूगल ट्रांसलेट। ठीक है दोस्तों, गूगल ट्रांसलेट लिख के आपको उसे इंस्टॉल कर देना है, कुछ इस टाइप के आपको दिखेगा। मैंने इसे इंस्टॉल कर दिया है, इंस्टॉल करने के बाद पूरे परमिशन को अलाउ कर दिया है। इसके बाद मैं इसे ओपन करता हूँ, आप पूरी परमिशन उसको दे दीजिएगा, इसके बाद ओपन कर दीजिएगा। और सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे दिखेगा हिंदी, दूसरे साइड दिखेगा इंग्लिश। तो आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश गारंटी सेट कर ले, क्योंकि हिंदी इंग्लिश ही हम लोग के अधिकतर काम आता है। और यहाँ पे बीच में जो आप देख सकते हैं क्रॉस निशान लिखा हुआ है, दोनों साइड के एरो, तो आप इसे इस तरफ कर सकते हैं, मतलब दोनों साइड चेंज कर सकते हैं। तो अब दोस्तों, आपके पास वो इमेजेस होना चाहिए जिससे आपको टेक्स्ट लिखना है, जिसमें से आपको टेक्स्ट को लिखना है, वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कैमरा का एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ इस पर क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए बारकोड स्कैनर स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे नीचे तीन ऑप्शन मिलेगा, इंस्टेंट स्कैन और एंड लास्ट वाला रहेगा इम्पोर्ट। तो आपको इस इम्पोर्ट पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट आपके गैलरी में पहुंचा देगा, और गैलरी में जहां कहीं भी आपका यहां पे देखिए थ्री डॉट लिखा हुआ है, थ्री डॉट पे यहां पे आने के बाद यहां पे आपको बहुत सारी चीज़ दिखेगा। यहां पे रिसेंट दिखेगा, नीचे पे फोटोज़ वगैरह गैलरी वगैरह दिखेगा। तो आप यहां पे क्लिक करके अपने गैलरी में से जहां पे भी वो फोटो है जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट में, वो फोटो को चूज़ कर लीजिए। मैं यहां से अपने फ़ोटो को चूज़ कर ले रहा हूं। यहां पे देख सकते हैं, ये है मेरा फ़ोटो जिसमें इंग्लिश लिखा हुआ है, जिससे मैं हिंदी में बदलना चाहता हूं, वो भी टेक्स्ट में। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी देर में स्कैन कर चुका है। अब मुझे क्या करना है, अपने उंगली के इशारे से इसे सेलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं किस तरह, जितना को भी आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, वो सब को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही सेलेक्ट कर लिए, आप यहाँ पे देखिए ऊपर में, यहाँ पे आप ऊपर साइड देख सकते हैं एक एरो बना हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, ऊपर साइड यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश का है, और उसके जस्ट नीचे साइड यहाँ पे आप देखिए हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे ऊपर देखिए लिखा हुआ है डियर सर आई एम सॉरी फॉर अपलोडिंग वीडियो, और नीचे लिखा है प्रिय महोदय मुझे यूट्यूब पर वीडियो, यानी शीर्षक उर्षक यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। वो सारी चीज़ों को यहाँ एज अ टीज, मतलब जिस तरह इंग्लिश में है उसी तरह हिंदी में ला दिया इसको, यानी कि फ़ोटो से इसको टेक्स्ट में ला दिया। आप इसे कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे कॉपी का भी ऑप्शन दिया हुआ है, कॉपी भी कर सकते हैं यहाँ से, और अगर आप चाहें तो यहाँ से भी डबल सेलेक्ट करके आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से भी इस तरह भी आप इसे कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा बेस्ट तरीका जो कि इमेजेस से टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का। दोस्तों, अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए लाइक मारिए, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं फिर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।